देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम कॉमन सभी के साथ यहाँ पे घटित हो रही है। क्या बता दूँ मैं आपको कि ये वीक सिग्नल और नॉन सिग्नल की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है ऑन फ्री डिस्क पर। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक बार अगर हमारे सिग्नल डिसमैच हो जाते हैं तो उसको सेट करना पड़ता है, उसके लिए मैकेनिक को चार्ज करना पड़ता है। मैकेनिक आएगा और मैकेनिक अपना जो उसका चार्ज बनता है बेसिक वो लेकर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसका सोल्यूशन जो कैसे करना है जब मैं बताने वाला हूँ आपको घर पर, इसका समाधान कैसे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। दोस्तों चलो चलते हैं बिना समय गवाए वीडियो की तरफ, और आप देख रहे हैं कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, आपका स्वागत है इस चैनल पर। बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है और क्या प्रॉब्लम का फेस हमें करना पड़ रहा है और कैसे इसका समाधान करना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए वीक सिग्नल नो सिग्नल की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये स्क्रीन पर मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर हमें वीक सिग्नल का प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे, यहाँ पे वीक सिग्नल का भी दिखा रहा है, अभी नो सिग्नल भी दिखाता है। तो देखिए वीक सिग्नल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अभी हमारा प्रॉपर ठीक हो गया, देखिए ये ऐसे ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे देखिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए फिर से नो सिग्नल यहाँ पर आ चुका है। ये नो सिग्नल और वीक सिग्नल की प्रॉब्लम कैसे खत्म करनी है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम सिग्नल बटन प्रेस करेंगे रिमोट से और देखेंगे कि इंटेंसिटी क्या है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सिग्नल इंटेंसिटी 87 है यहाँ पे शो कर रहा है, कभी 88 भी हो जाती है, ठीक है। ये देखो 88 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिग्नल क्वालिटी जो हमारी 4% है, 3% 4% यही है, ठीक है। व्यू फ्री म्यूजिक पे मैंने इसको लगाया हुआ है, P0 भी सेक्टर बॉक्स में शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सिग्नल जो क्वालिटी है वो हमारी बहुत ख़राब है। इंटेंसिटी ओके, इसका मतलब हमारा जो LNB है वो सेक्टर बॉक्स के साथ प्रॉपर कनेक्ट है। प्रॉब्लम हमारी सिग्नल से हो सकती है या फिर हमारे डिटेल सप्लाई से फिर कार्ड से, ठीक है। तो उसका जो सोल्यूशन है वो कैसे करना है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा होगा कि जो हमारी सिग्नल इंटेंसिटी है कभी 87 और कभी 88 वहाँ पे शो हो रही है, और सिग्नल क्वालिटी जो हमारी 3 से 4 शो हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर हमारी सिग्नल इंटेंसिटी 80+ या 70+ दिखा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो LNB है वो प्रॉपर कनेक्ट है सेक्टर बॉक्स के साथ, जिससे कि हमारी इंटेंसिटी शो होती है, ठीक है। एक नंबर इसको क्लियर करिए, बिल्कुल ओके है, ठीक है। उसके बाद सिग्नल क्वालिटी जो हमारी 3 से 4% है, तो उसमें हम कहीं सो मान सकते हैं कि हमारा जो LNB का वो डायरेक्शन है वो थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। अगर उसका चेंज हो सकता है, ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो हमारे हो सकता है कि डिस्क का डायरेक्शन जो चेंज हो गया। तो LNB की सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ध्यान से फोकस करेंगे एक बार। ये जो हमारे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पॉइंट में, यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, ये देखिए 20 और 20 यहाँ पे हमारा शो हो रहा है, ठीक है। ये जो हमारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस पर 20 0 20, यानी कि जो सेंटर वाली है हमें इससे मैनेज करना है किसको, LNB के नंबर्स को। तो LNB हमारे कुछ यहाँ पे डॉट्स दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए जो एरो का निशान देख रहे हो, यहाँ पे इसका 0 है, ठीक है, और यहाँ पे भी इसका 0 है। अगर इसको इसके सामने रखेंगे बिल्कुल, तो हमारे यहाँ पे ये देखिए मैं इसके करीब ले आता हूँ, तो अभी हमारा जो LNB बिल्कुल सेट बिल्कुल 0 के सामने है, ठीक है। अभी 0 इंटेंसिटी जो हमारी LNB का एंगल है वो 0 पर है। तो अभी क्या करना होगा, जब हमारा पॉजिटिव सिग्नल आते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा मूव करना होगा किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो जब हम इसको मूव करेंगे तो लगभग हमारे जो फ्री वाले D2H का जो सिग्नल सेट होते हैं वो 25 से लेकर 30 के बीच होंगे, ठीक है। तो हम इसको सेट करेंगे, इसके पॉइंट कैसे गिनने हैं। एक जो हमारा पॉइंट होता है वो 5 नंबर का होता है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 5 10 15 20 25 और 30। तो 30 पे हमें क्या करना है, इसको सेट करना है, 0 को हमें 30 पे लेकर आना है, ठीक है। तो ये देखिए इसके सामने अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो लगभग 25 से 30 के बीच ही हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। इतना करने के बाद यदि आपके सिग्नल अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो उसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। अगर ये हमारे आ गए हैं तो ठीक है, वरना नहीं आए तो हमें अपने जो सिग्नल सेटर भी लाइट जो मीटर होता है DB मीटर, जिसे हम सिग्नल को सेट करते हैं, उसकी मदद से हमें इसको सेट करना होगा, ठीक है। उसको कैसे यूज करते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्रॉब्लम का बता था कि प्रॉब्लम हमारी कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। अब एक हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि ना तो हमारी सिग्नल इंटेंसिटी है, देखिए सिग्नल इंटेंसिटी क्या होती है, ये भी हमारी 0 होती है, बिल्कुल 0, और ये भी हमारा क्या होता है, क्वालिटी भी हमारी क्या होती है, 0। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, जब दोनों केस में 0 होती है हमारी, तो इस केस में हमें यहाँ पर देखना होता है कि जो हमारा डिस्क का जो कार्ड है क्या होता है, या तो हमारा केबल जो प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। अगर प्रॉपर कनेक्ट है केबल, हमारे केबल में कोई दिक्कत नहीं है, कटआउट नहीं है, कट नहीं है केबल कहीं से भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हमारा LNB
इन पॉइंट है ये जिसमें हम वायर कसते हैं जो LNB से आता है डिस्क के ऊपर से, ठीक है। तो इसमें चेक करेंगे जब हम किसी वजह से इसको यहाँ पे कसते हैं तो ये हमारा यहाँ पे लूज पॉइंट वगैरह हो जाता है। देखिए जो सोल्डिंग है यहाँ पे, इसको एक बार चेक करेंगे कि कनेक्शन बोर्ड के साथ प्रॉपर है कि नहीं। इस केस में भी हमारे सिग्नल इंटेंसिटी और जीरो इंटेंसिटी यहाँ पे शो कर सकता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, काफ़ी काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है वो यहीं से होती है, जब इंटेंसिटी और क्वालिटी नहीं आएंगी। एक केस ये बनता है, बाकी आप चेक तो कर ही सकते हो कि केवल आपका कहीं से बीच में से ब्रेक तो नहीं है, कट तो नहीं है। प्रॉपर उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब हमने प्रॉपर चेक कर लिया हो और उसके बाद भी हमारी सिग्नल इंटेंसिटी लगभग 87% आ रही हो और क्वालिटी जो कभी 3 से 4, 30-35 अप डाउन हो रही हो, यानी कि वीक सिग्नल हमें शो हो रहा हो और हमारी डिस्क की डायरेक्शन और LNB की डायरेक्शन में बिल्कुल ओके कंडीशन में हो, फिर भी हमारी क्या कि हमारे जो सिग्नल है वीक सिग्नल शो हो रहा हो, तो इस प्रॉब्लम में क्या करना होता है, इस केस में हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए हमारी जो मदरबोर्ड है, इसको मदरबोर्ड बोल सकते हैं क्योंकि हमारी जो कार्ड है डिस्क का और ये हमारी पावर सप्लाई है। तो पावर सप्लाई में से हमारे आउटपुट जो वोल्टेज निकलेंगे 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट निकलेंगे, ठीक है। 3.3 वोल्ट डिस्प्ले के जाएंगे, 24 वोल्ट सीधे LNB जाएंगे और जो मेन काम करेंगे सेक्शन में इसमें 3.3 वोल्ट वर्क करेंगे, सॉरी 5 वोल्ट वर्क करेंगे। तो 5 वोल्ट जो वर्क यहाँ पे करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो हमारी वायर पट्टी यहाँ पे लगी हुई है तो इसमें क्या होता है कि हमारी काफ़ी टाइम से चलने के बाद हीटिंग के कारण हमारे किसी एक वायर में, किसी एक कनेक्शन में क्या होती रही है, तो लूज़ अपन आ जाता है या फिर हमारी जो वायर की वो रेजिस्टेंस जो वो ख़त्म हो जाती है, जिससे वायर हमें देखने को मिलेगा कि ये वायर यहाँ की हमारा ब्रेक हो सका है और जो हमें प्रॉपर कनेक्शन नहीं दे पा रहा है, जिसकी 5 वोल्ट जो मिसिंग की प्रॉब्लम हमें देखने को यहाँ मिलेगी और हमें क्या सिग्नल इंटेंसिटी तो ठीक मिलेगी लेकिन जो हमारी क्वालिटी है उसमें क्या मिलेगी, फ्लक्चुएशन मिलेगी। तो कभी नो सिग्नल आएगा, कभी वीक सिग्नल आएगा, प्रॉपर सिग्नल हमें देखने को स्क्रीन पर नहीं मिलेंगे। तो इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम जो सोल्व करनी होगी, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे जिक को चेंज करके देख लेंगे। अगर जिक आपके पास नहीं है तो कोई भी एक वायर लेके जंपर लगाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। जंपर लगाने के बाद चेक करेंगे कि प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में सप्लाई के और भी कुछ फॉल्ट हो सकते हैं। सप्लाई में जैसे हमारे 5 वोल्ट के लिए डायोड लगा हुआ है, इस पर भी हमारा फॉल्ट हो सकता है, यानी कि ओपन हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, कोई भी कंडीशन हमें यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हो सकती है, या फिर ये डायोड जो हमारा लीकेज कंडीशन में भी आ सकता है। अगर आपको नहीं पता कि डायोड को कैसे चेक किया जाता है, डायोड की क्या क्या कंडीशन हमारे यहाँ पे बनती है, तो इस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो पहले से बनाई हुई है, आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं बताया हुआ उसमें कि कैसे डायोड की किन कंडीशन में इनको डायोड को हम ओके मानते हैं और किन कंडीशन में डायोड हमारा जो होता है ख़राब होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को वहाँ पे आप प्रॉपर से चेक कर लेना, सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे डायोड वगैरह हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, उसके बाद हमें चेक करना होगा अगर ये हमारे कंप्लीट, अगर डायोड वगैरह हमारा ओके तो PF की वीकनेस से भी हो सकता है, तो हम PF को एक बार यहाँ पे अच्छे से चेक करेंगे, अन्यथा इसको चेक करने के बाद अगर प्रॉब्लम आई सॉल्व नहीं होती तो इसको चेंज करके भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कंडेंसर यानी कि जो कैपेसिटर है वो चेक करना नहीं आता है तो उस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना के उसको भी आप जाके देख सकते हो। तो इसको प्रॉपर यहाँ पर करने के बाद आप चेक कर लीजिए तो हमारी प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको मैंने यहाँ पर बताया कि कैसे आप अपने 200 रुपये जो यहाँ पर बचा सकते हो अगर आप खुद रिपेयर कर रहे हो। तो अगर आप खुद रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप रिपेयर ना करो, कोई कंपोनेंट से छेड़खानी मत करो, सीधा आप सप्लाई जो यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और कनेक्टर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि वायर जो आएगी हमारी कनेक्टर वो पावर सप्लाई के साथ आती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप इसको चेंज कर लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता सिग्नल सेट कैसे करते हैं सैटेलाइट DB मीटर से तो कमेंट करना, उस पर भी स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत आसान तरीके से हमारे चैनल पर रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, अगर आप सीखना चाहते हो तो चैनल से जुड़ सकते हो।